दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 3 अपना रहेगा, ठीक है। इसका नाम है गति तथा गति के नियम। इसको इंग्लिश में कहेंगे मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, गति तथा गति के नियम, मोशन तथा लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा, पेशेंस के साथ देखना इसको, और बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें ऐसा भी नहीं करेंगे कि कोई भी चीज़ छोड़ें, बिल्कुल विद्वत एक एक बात आपको समझा के लेके चलेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती मोशन की। मोशन के प्रकार देखे जाएं तो मोशन 3 प्रकार की होती है। पहला एक विमीय गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, और दूसरी है आपकी द्विविमीय गति, इसको 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरी आपकी त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। मोशन 3 प्रकार की होती है, 1 विमीय गति, 2 विमीय गति, 3 विमीय गति। 1 विमीय गति ऐसी जिसमें सिर्फ एक सरल रेखा में कोई चीज गति करती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई तार पे चलता हुआ कीड़ा, किसी सड़क पे चलती हुई गाड़ी, ये उदाहरण हो गए 1 विमीय गति की, उसको सरल रेखीय गति भी कहते हैं। 2 विमीय गति जिसमें 2 अक्षों पे कोई चीज चलती है, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे चलती है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें आ गई आपकी सरल रेखा में गति, रेखा में गति, और इसके अंतर्गत आपकी आ गई कौन कौन सी, जैसे प्रक्षेप गति, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति को आप 2 विमीय गति में पढ़ोगे। वृत्तीय गति, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ऊर्ध्ववृत्ति गति, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हम 2 विमीय गतियों में इनको पढ़ते हैं, प्रक्षेप गति को, वृत्ति गति को, ऊर्ध्ववृत्ति गति। 3 विमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन, ये फिजिक्स में आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैथमेटिक्स में भी 3D पढ़ेंगे, वो भी सदिश विश्लेषण के साथ साथ, सदिश के साथ साथ, उस पर बात नहीं करनी। तो ये है, आज मैं टॉपिक जो बना रहा हूँ सिर्फ इसको टॉपिक बना रहा हूँ। अगले लेक्चर में फिर मैं इस पर बात करूँगा, आगे फिर इनके न्यूमेरिकल आदि पर बात करूँगा, फिर इस पर बात करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको टॉपिक बनाता हूँ, किसको, 1 विमीय गति। तो इसमें शुरू करते हैं 1 विमीय गति में। सबसे पहले बात आती है कि विराम और गति, इनको थोड़ा समझें। विराम तथा गति, रेस्ट एंड मोशन, ये क्या है? रेस्ट क्या है? जब कोई कण
समय के साथ किसी निर्देश सांक के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो वह कण रेस्ट अवस्था में पाया जाता है। विशेषता क्या है कि कोई कण समय बदलने के साथ किसी निर्देश के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, उसकी स्थिति ना बदले, तो वह वस्तु स्थिर मानी जाती है, विराम में मानी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये पोडियम रखा है यहाँ और ये मैं खड़ा हूँ। अभी जो समय है, एक मिनट बाद भी मैं ऐसे ही खड़ा रहूँ तो समय बदल जाएगा, लेकिन मेरी स्थिति इस पोडियम के सादृश्य बदलेगी नहीं, पोडियम की तुलना में मेरी पोजीशन वही रहेगी, तो मैं विराम में कहलाऊंगा। यदि समय बदलने के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन आ जाए, पोडियम के सापेक्ष मैं पहले आगे था, अब मैं पीछे आ गया, तो फिर मैं गति में हूँ। तो स्थिति स्थिर यानी कि रेस्ट और मोशन समझ में आई। आगे हम बात करते हैं इसके बाद दूरी और विस्थापन के बारे में। विस्थापन में अंतर, इस पे गंभीरता से समझेंगे। दूरी मतलब डिस्टेंस, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आओ इसको समझें। पहली पॉइंट यही कि दूरी अदिश है और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। दूसरी बात कि दूरी है क्या, दूरी किसी कण द्वारा किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, ये सीधी दूरी, इसको हम विस्थापन कहते हैं। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि दूरी हमेशा ज्यादा होगी और विस्थापन कम, या फिर बिल्कुल सीधा हो तो दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, यानी कि दूरी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगी विस्थापन से, दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि दूरी ना तो पॉजिटिव होती है ना निगेटिव होती है, और ना ही दूरी कभी शून्य होती है। विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव और जीरो हो सकता है, और दूरी पॉजिटिव निगेटिव जीरो नहीं, सॉरी, दूरी पॉजिटिव तो होती है, दूरी निगेटिव और जीरो नहीं होती, जबकि विस्थापन निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ये तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें, दूरी और विस्थापन में। अब हम बात करते हैं आगे चाल की। किसकी बात करते हैं, चाल। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। आपने फॉर्मूला सुना ही होगा, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड मात्रक। क्लियर है। चाल तीन प्रकार की होती सामान्यतः, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, एक समान चाल। ये क्या होता है, जब कोई कण या कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी कवर करता है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है।
जैसे 5 से 6, कोई मान लो व्यक्ति चला साइकिल लेके, वो 5 से 6 सेकंड पर या 6 मिनट पर, 5 से 6 मिनट पर के दौरान वो चला 10 मीटर, अगले 6 से 7 मिनट के दौरान वो चला 15 फिर 10 मीटर, तो उसकी स्पीड जो कहलाएगी वो एक समान चाल कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। क्योंकि देखिए 1 मिनट के अंतराल में ये 10 मीटर, अगले मिनट के अंतराल में एक ही मिनट में फिर 10 ही मीटर गया। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती तो असमान चाल होती, तो जैसे 5 से 6वें मिनट में वो चला 10 मीटर, अब 6 से 7वें मिनट में वो चलता यदि 15 मीटर, तो ये उसकी चाल कहलाती कैसी, असमान चाल, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके अलावा चाल होती है तीसरी एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड, इसको औसत चाल बोलते हैं। औसत चाल AU बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं इस पे क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। मान लो कि कोई कण है, वो भिन्न भिन्न समयांतरालों, भिन्न भिन्न समयांतरालों, भिन्न भिन्न टाइम पीरियड T1, T2, T3, .. TN में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, भिन्न भिन्न चाल से चलता है, S1, S2, S3, .. SN। तो अब हमसे औसत चाल पूछी जाए तो VAU बराबर औसत चाल पूछी जाए तो ये क्या होगी, तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि यहाँ D1, D2, D3, .. DN बटे T1, T2, T3, TN होना चाहिए, तो D1, D2 है नहीं, तो ऐसा हो जाएगा S1, T1 +S2, T2 +S3, T3 .. बटे T1 + T2 + T3 .. समझे, क्योंकि D की जगह दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ऐसा होता है। इन केस मान लो ऐसा ना हो, वो भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न चाल से भिन्न भिन्न चाल कौन S1, S2, S3 इससे चलता है और भिन्न भिन्न दूरी चलता है, कौन सी D1, भिन्न भिन्न दूरी क्रमशः S1 चाल से D1 दूरी, S2 चाल से D2 दूरी, S3 चाल से, ऐसे चलता है। अब औसत चाल आपको चाहिए तो क्या करोगे, क्या बनेगा, कुल दूरी, औसत चाल का वही फॉर्मूला, कुल दूरी तो D1 + D2 + D3 बटे कुल समय, अब यहां समय है नहीं तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल, तो D1 / D2 / S2 / D3 / S3 ऐसे बनेगा फॉर्मूला। क्लियर, जब भी आपको रखना है ये ध्यान रखनी है औसत चाल में कि कुल दूरी बटे कुल समय होना चाहिए। आगे बात करते हैं, मान लो क्या कि कोई व्यक्ति है यहां से चला A से चलता हुआ बी तक जाता है, कितनी चाल से, मान लो एक्स चाल से जाता है,
और जब लौटता है तो वाई चाल से लौटता है। अब आपसे औसत चाल पूछी जाए तो चूंकि दूरी जाने की और आने की समान रही तो औसत चाल के लिए या फिर ये केस बनाए या ये ना बनाए, ऐसे बनाए, पहले ए से बी तक गया, एक्स चाल से फिर बी से सी तक गया, वाई चाल से, दूरी वही रही, ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, उतनी दूरी, तो औसत चाल का सूत्र बनाए तो 2xy/x+y, तब ये फॉर्मूला, यानी कि दो समान दूरियों को क्रमशः एक्स और वाई चाल से चला जाए तो औसत चाल का ये सूत्र है। अब तीन समान दूरी हो, मान लो ए से बी तक डी दूरी हम एक्स चाल से चले, फिर बी से सी तक डी दूरी है, वाई चाल से चले सी से डी तक, डी बिंदु तक डी दूरी, ये हम जेड चाल से चले, तीन के लिए आपसे औसत चाल पूछी जाए, औसत चाल तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3xyz/xy+yz/x। न्यूमेरिकल जब हम इन पे कराएंगे तो हो सकता है कि हम इन फॉर्मूलों से ना कराएं, हम कोई और तरीका बताएं, लेकिन अभी फॉर्मूले भी जानने आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये सूत्र समझ में आ गए दोनों? ठीक, अब एक आती तत्क्षणिक चाल। कौन सी चाल? तत्क्षणिक चाल, इंस्टेनियस स्पीड। कौन सी? इंस्टेनियस स्पीड। तत्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, ये चाल क्या होती है? ये किसी भी क्षण, किसी एट पॉइंट टाइम पर कोई कण जितनी स्पीड से चल रहा होता उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी एस, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ds/dt, ये है आपकी इंस्टेंट स्पीड, तात्क्षणिक चाल। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस समझ लीजिए। ठीक है, बस इसके आगे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी पे, वेग पर। वेग, वेलोसिटी, वेग जानते हैं वो सदिश राशि है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का देखें तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझेंगे, समय के साथ वेग में परिवर्तन ना हो, एक समान वेग से चल। इसमें ग्राफ जान लो, ग्राफ आता है, जब एक समान वेग से कोई चीज चल रही होती फिर आपसे ग्राफ पूछा जाए, किसका? समय का और विस्थापन का। एक समान चाल से, एक समान वेग से कोई पिंड चल रहा हो, अब आपसे समय और विस्थापन के बारे में ग्राफ पूछा जाए तो ये ग्राफ ऐसी खड़ी एक सीधी रेखा होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विस्थापन भी बढ़ता जाए। लेकिन यदि ग्राफ पूछा जाए समय और वेग के साथ में, यहाँ ध्यान रखना, समय और वेग के साथ में, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या वेग बढ़ेगा? वेग बढ़ने लगा तो फिर वेग कांस्टेंट कहाँ रहेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेग स्थिर रहना चाहिए,
तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो एक समान वेग वाली स्थिति में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ तो ऐसे बनेगा, समय और वेग के बीच ग्राफ तो ऐसे। समझ आ गया? अब यदि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि असमान वेग हो, तो फिर वेग और समय और विस्थापन के बीच ग्राफ क्या बनेगा? देखें, तो समय जैसे ये है और विस्थापन ये है, तो इसके बीच ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा यूं ऐसे बनेगा। समय और विस्थापन के बीच ग्राफ तब ऐसे बनेगा। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। औसत वेग इसको ऐसे लिखते हैं, तो कुल विस्थापन बटे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल समय, ये फॉर्मूला बना, कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसके बाद त्वरण की बात आती, त्वरण मतलब एक्सलरेशन, एक्सलरेशन त्वरण क्या होता है? एक्सलरेशन वेग परिवर्तन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन समयांतराल, टाइम पीरियड। मात्रक किसका जानते हो? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सदिश, ये भी है। क्लियर? हाँ, इसमें ये बात है, यदि त्वरण पॉजिटिव है, पॉजिटिव त्वरण है, धनात्मक त्वरण है, तो इसका मतलब समय के साथ साथ वेग बढ़ रहा है। इसका मीन्स क्या है? मीन्स है वेग बढ़ रहा है। यदि त्वरण निगेटिव है, इसको मंदन भी बोलते हैं, निगेटिव त्वरण को क्या? मंदन। त्वरण निगेटिव है मीन्स वेग समय के साथ वेग घट रहा है। यदि त्वरण जीरो है, इट मीन्स समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि वेग एक समान है। इसका मतलब वेग एक समान है, ये होता है। अब त्वरण के एक समान त्वरण से है, त्वरण एक समान, वेग एक समान है, ठीक है। इसकी आगे बात करें, न्यूटन के गति के समीकरण, गति के समीकरण, न्यूटन ने गति से संबंधित तीन समीकरण दिए, एक v बराबर u प्लस ए टी, एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस। जहां u क्या है? प्रारंभिक वेग, कोई कण जब चालू हुआ उसका वेग, प्रारंभिक वेग। v क्या है? t समय बाद वेग, समय बाद वेग जो हो गया कण का। s क्या है? t समय में चली दूरी। और आपका a क्या है? a त्वरण है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, जिस त्वरण से कोई वेग, कोई कण चल रहा है।
और एक एसटी और है, विशेष सेकंड में तय की गई दूरी किसी कण द्वारा विशेष सेकंड में। तो एसटी बराबर होता है U प्लस क्या, ये है U प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये टी सेकंड में चली गई दूरी। अब जब ये त्वरण बढ़ नहीं रहा होता, घट रहा, मंदन होता, मंदन, मंदन के लिए, मंदन के लिए ए के स्थान पर माइनस ए ले लिया जाता है, यहां सब जगह एक ही जगह पे माइनस ए। जब गति गुरुत्व के अधीन हो, जब गति गति गुरुत्व के अधीन हो, ग्रेविटी के अंडर गति हो गुरुत्व के अधीन, तो ए के स्थान पर जी ले लिया जाता, क्या जी, और ऊपर की ओर हो तो माइनस जी, और नीचे की ओर हो पृथ्वी की सतह की ओर तो प्लस जी लेते। इस तरह से ये फॉर्मूले बदलते भी रहते। अब यदि लेकिन एक समान त्वरण ना हो, नोट करने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है, नोट में लिख बता दें, यदि त्वरण या मंदन एक समान ना हो, एक समान यानी कि यूनिफॉर्म ना हो, मतलब परवर्ती हो, तो ये जो गति के ये समीकरण है ये इनका पालन नहीं होगा। तो गति के समीकरण का समीकरण लागू नहीं होंगे, नहीं। ये आपकी एक बिमी गति के बारे में कॉन्सेप्ट थे। अब इन पे न्यूमेरिकल और है, लेकिन अब न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे, आगे दो बिमी गति पहले कराएंगे। देखते हैं आप लोगों से कितना प्यार मिल रहा है, आप लोगों को हम अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यूअस रखेंगे। ओके, थैंक यू।